हेलो फ्रेंड्स, आई एम अन्वेषा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आईबीपीएस क्लर्क प्री 2019 के मॉक टेस्ट का क्वांट सेक्शन सॉल्व की हूँ और कल के वीडियो का कंटिन्यूएशन है ये। और फ्रेंड्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैंक एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट का लिंक्स मैंने दिया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पुराने भी हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आप आईबीपीएस गाइड का मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। उनका एक ऑफर चल रहा है ईयरली प्लैटिनम कार्ड, जो कि आपको 349 रुपीज में मिल जाएगा। इसमें बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और इंश्योरेंस के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ ई बुक और वीडियो कोर्स भी मिलेंगे, और टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है ये। और पेपैल से अगर आप पे करेंगे तो आपको 100% कैशबैक मिल जाएगा आपके पेपैल वॉलेट में। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ये कोड अन्वेषा यूज़ करेंगे तो ये 349 रुपीज़ के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी -34.9 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। आप पहले एक उनका फ्री मॉक टेस्ट लगाइए, देखिए अगर आपको पसंद आता है तो आप ये ले लीजिए। फ्रेंड्स, एट फर्स्ट ये DI है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाई द टू बैंक्स SBI एंड कैनरा ओवर द ईयर आर शोन इन द लाइन ग्राफ। तो ये एक ग्राफ है और यहाँ पर दिया गया है कि SBI और कैनरा, ये दो बैंक्स कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। और ये रेड वाला है कैनरा बैंक और ब्लू वाला है SBI बैंक। जैसे कि 2014 में SBI बैंक 8% इंटरेस्ट देता है और 2014 में कैनरा बैंक देता है 9%। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अ बिजनेस मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹10 लाख इन SBI इन 2016। तो SBI 2016 में SBI में एक बिजनेसमैन 10 लाख इन्वेस्ट करता है। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर वॉज री इन्वेस्टेड इन द सेम कंपनी फॉर 1 मोर ईयर। तो जितना अमाउंट मिलता है एक साल बाद, उतना अमाउंट 2017 में फिर से री इन्वेस्टमेंट होता है, फिर से इन्वेस्ट कर देता है। तो फिर 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, व्हाट वाज द टोटल एप्रिसिएशन रिसीव्ड बाय द बिजनेसमैन ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो फिर टोटल 2 साल बाद कितना एप्रिसिएशन बिजनेसमैन को मिला। एप्रिसिएशन मिला मतलब कितना पैसा उसका ज़्यादा हो गया, मतलब जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया था उससे कितना ज़्यादा उसका पैसा बढ़ गया। तो यानी कि आपको निकालना है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, यही आपको निकालना है। ओके, तो देखिए क्या करना है यहाँ पर। पहले तो देखिए SBI 2016 में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो 2016 SBI मतलब 5%, तो 5% ऑफ क्या निकालेंगे आप, 5% ऑफ आपको निकालना है 10 लाख, ठीक है। 10 लाख का 5% मतलब होता है 0.1 × 5, विच इज़ इक्वल टू 0.5 लाख। तो इसका मतलब आपका अमाउंट कितना आ जाता है यहाँ से, 10 लाख प्लस 0.5 लाख, विच इज़ इक्वल टू 10.5 लाख। उसके बाद इसको आप 2017 में इन्वेस्ट करोगे। 2017 में कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI का, 2017 में है आपका ये वाला है ना 6% इंटरेस्ट है। तो आपको अब क्या निकालना है, 6% ऑफ 10.5 लाख, which is equal to 6 × 0.105, which is equal to 0.630, मतलब 0.63 लाख, ठीक है, 0.63 लाख। तो इसका मतलब अमाउंट कितना आ गया यहाँ पर, अमाउंट इज इक्वल टू 10.5 प्लस 0.63 लाख, ओके, विच इज इक्वल टू 11.13 लाख, ठीक है। और इनिशियली आपका प्रिंसिपल कितना था, इनिशियली आपका प्रिंसिपल था 10 लाख, ठीक है, इनिशियली आपका प्रिंसिपल था 10 लाख, अब बन गया है 11.13 लाख। तो इसका मतलब कितने रुपए का एप्रिसिएशन हुआ, एप्रिसिएशन इज इक्वल टू 11.13 माइनस 10 लाख, ओके, ये लाख्स में है, इसका मतलब क्या होता है 1.13 लाख। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 1.13 लाख मतलब ऑप्शन ए ये वाला, ठीक है, 1.13 लाख। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन कैनरा बैंक इन 2014। एक इन्वेस्टर है जो कि कैनरा बैंक में 2014 में
2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 1 ईयर द एंटायर अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट वॉज ट्रांसफर्ड एज इन्वेस्टमेंट टू SBI बैंक इन 2015 फॉर 1 ईयर। इसके बाद 1 साल बाद मतलब 2015 में अब जितना अमाउंट मिलता है ये कनाडा बैंक में 1 साल में, उतना पूरा अमाउंट SBI में इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव फ्रॉम SBI बाय द इन्वेस्टर। तो अब आपको ये फाइंड करना है कि इन 2 साल में इन्वेस्टर को कितना अमाउंट रिसीव हुआ, एक तो कनाडा बैंक और दूसरा SBI बैंक, मतलब टोटल ये अमाउंट क्या है ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए चलिए पहले आप देखिए कनाडा बैंक में 2014 में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। कनाडा बैंक है लाल वाला रेड, तो 2014 में था 9%, ठीक है। तो अब आप निकालिए 9% ऑफ 2 लाख्स। 9% ऑफ 2 लाख्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 9% ऑफ 2 लाख्स मतलब 9 × 0.02 विच इज इक्वल टू 0.18 लाख्स। तो यहाँ से कैनरा बैंक से अमाउंट कितना निकलेगा, अमाउंट निकलेगा 2 + 0.18 इज इक्वल टू 2.18 लाख्स, ठीक है। अब ये टोटल अमाउंट जो है 2.18 लाख्स ये SBI में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो SBI का देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 2015 में SBI के ब्लू वाला 7%, ठीक है। तो आपको निकालना है अब 7% ऑफ 2.18 लाख्स विच इज़ इक्वल टू 7 × 0.0218, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0.1526 लाख्स। अब अमाउंट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट जो है वो क्या होगा, वो होगा 2.18 लाख्स प्लस 0.1526 लाख्स, यानी 2.18 प्लस 0.1526, 6 × 2.3326 लाख्स ये हो जाएगा आपका फाइनल अमाउंट, यानी कि ऑप्शन सी 2.3326 लाख्स, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ टू डिफरेंट अमाउंट्स इन द रेशियो 4:5 आर इन्वेस्टेड इन SBI एंड कैनरा बैंक रेस्पेक्टिवली इन 2017, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट्स रिसीव्ड आफ्टर 1 ईयर एज इंटरेस्ट फ्रॉम SBI एंड कैनरा बैंक। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि दो अमाउंट है, मतलब प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट हो रहा है SBI और कैनरा में, उनका रेशियो दिया गया है, ठीक है। उनका रेशियो क्या है फ्रेंड्स, उनका रेशियो है 4:5। अब देखिए ये इन्वेस्ट हो रहा है 2017 में, अब आपको फाइंड आउट करना है द रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। देखिए यहाँ पे अमाउंट नहीं है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट होता है सिर्फ इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो आपको उन इन दोनों का इंटरेस्ट का आपको रेशियो निकालना है। तो एक काम पहले आप कीजिए, आप इसको 4:5 नहीं, आप इसको मान लीजिए 400:500, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, क्योंकि रेशियो है आप कुछ भी मान सकते हैं इसको। तो देखिए आप 2017 में SBI और कैनरा का रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले हम देख लेते हैं। 2017 में SBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और कैनरा का है 7%। SBI का 6% और कैनरा का है, SBI और कैनरा है ना, SBI का है 6% और कैनरा का है 7%, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है। इंटरेस्ट फाइंड करना है मतलब आपको क्या करना है, 6% ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है ना, 6% ऑफ 400:2 बाय 7% ऑफ 500, यही आपको निकालना है। तो 6% ऑफ 400 क्या होता है, 6% ऑफ 400 मतलब 6 × 4 विच मीन्स 24, 7% ऑफ 500 मतलब 7 × 5 विच मीन्स 35। तो आपका आंसर हो जाएगा 24:35, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टू डिफरेंट अमाउंट्स इन द रेशियो, इफ टू डिफरेंट अमाउंट्स इन द रेशियो 4:5 आर इन्वेस्टेड, अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन है, सॉरी ये सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी सेम क्वेश्चन है, सॉरी रिपीट हो गया है, ओके ये क्वेश्चन है, ये लास्ट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्नड बाय द इन्वेस्टर व्हाइल इन्वेस्टिंग 5 लाख्स इन SBI फॉर 1 ईयर एंड 5 लाख्स इन कैनरा फॉर 1 ईयर इन 2018। तो एक इन्वेस्टर है वो 2018 में सेम अमाउंट
इन्वेस्ट कर रहा है, सपोज एक्स यहाँ पर, एक्स यहाँ पर, ठीक है, सेम अमाउंट इन्वेस्ट, नहीं एक्स नहीं, 5 लाख दिया गया है, 5 लाख वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है और 5 लाख यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ पर, एक SBI में 5 लाख और एक कैनरा बैंक में। तो आपको डिफरेंस निकालना है कि इन दो जगहों से उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका डिफरेंस क्या होगा एक साल में, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे फ्रेंड्स इसको, तो देखो 2018 में SBI और कैनरा का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो। SBI में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% और कैनरा में है 4%, ठीक है। तो रेट इन SBI है कितना, 3% है ना, फिर से देख लेते हैं, 3% और कैनेडा में है 4%। रेट इन SBI है आपका 3% और रेट इन कैनेडा है आपका 4%, और आपको डिफरेंस निकालना है। पर आपको डिफरेंस तो सेम अमाउंट का निकालना है ना, अमाउंट तो फिक्स्ड है 5 लाख, मतलब इसमें भी 5 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इसमें भी 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको शॉर्टकट तरीका में क्या करना है, देखो आप डिफरेंस निकालना है आपको, इसलिए आप इनके परसेंटेज का, इंटरेस्ट परसेंटेज का ही डिफरेंस निकाल लो, मतलब 4% माइनस 3%, मतलब 1%। तो आपको फाइंड आउट करना है 1% ऑफ 5 लाख, कैसे आया ये 1%, ये 1% आया 5% माइनस 4%, ठीक है। 1% ऑफ 5 लाख मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 1% ऑफ 5 लाख मतलब हो जाता है आपका, देखो दिखा देती हूँ मैं, सॉरी, 1% ऑफ 5 लाख, यानी कि 5000 है ना, यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि 5000। तो ये यहाँ पर कैसे हुआ फ्रेंड्स, 1% क्यों हुआ 1%, क्योंकि आपको डिफरेंस निकालना था इंटरेस्ट का। आप कैसे निकालोगे इंटरेस्ट का डिफरेंस, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, आप निकालोगे ऐसे ना, 4% ऑफ 5 लाख माइनस 3% ऑफ 5 लाख, यही आपको निकालना है। अगर आप 5 लाख को कॉमन ले लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4% माइनस 3%, इसका मतलब 1% ऑफ 5 लाख, ठीक है, ऐसे ही आ जाता है। ओके समझ गए आप, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आप कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आ गए हैं। अ सिस्टर्न इज फिल्ड इन 3 आवर्स बाई 3 पाइप्स ए बी एंड सी। एक सिस्टर्न है जो कि जिसमें पाइप्स ए बी और सी तीनों पाइप मिला के पानी भर रहे हैं और 3 घंटे में पूरा सिस्टर्न फिल होता है, ठीक है। द पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज थ्राइस एज फास्ट एज ए। मतलब ए जितना जल्दी सिस्टर्न को फिल करता है उससे 3 गुना ज़्यादा फास्ट बी करता है, और बी जितने स्पीड में करता है उससे 2 गुना फास्ट सी करता है, ठीक है। हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक। अगर पाइप ए को अकेले काम करना पड़े तो पाइप ए कितने घंटे में पूरे सिस्टर्न को फिल करेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करना है यहाँ पर, पहले तो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी पाइप ए बी और सी के एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज थ्राइस एज फास्ट एज ए। तो ए को 1 मानिए तो बी इज थ्राइस, मतलब बी 3 गुना है ए का, तो मतलब बी हो जाएगा 3, और सी है ट्वाइस एज फास्ट एज बी, तो सी है 2 गुना बी का, यानी 3 × 2 = 6, ठीक है। ये हो गया इनके एफिशिएंसी का रेशियो। अब देखिए आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो आप पाइप्स एंड सिस्टर्न का पूरा आपको चैप्टर पढ़ना होगा, ठीक है। तो कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी और वर्क, ठीक है, तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, कैपेसिटी किसका, सिस्टर्न का कैपेसिटी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टर्न। तो ये क्या है, देखिए मैं यहाँ पर कैपेसिटी नहीं लिखूँगी, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इससे, मैं यहाँ पर वर्क लिखती हूँ, वर्क जो काम आपको करना है, यहाँ पर क्या काम करना है, सिस्टर्न को फिल करना है। काम क्या होता है फ्रेंड्स, काम होता है एफिशियंसी इंटू टाइम, एफिशियंसी इंटू टाइम होता है काम। तो यहाँ पर देखिए टोटल एफिशिएंसी कितना है, 6 + 3 + 1, 6 + 3 + 1, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर्स, तो 3, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल काम कितना हो गया, यहाँ पर है 10 × 3 = 30,
30 है टोटल काम, टोटल काम मतलब इस सिस्टर्न का टोटल वॉल्यूम है 30 लीटर्स, ठीक है। अब इसको फिल करना है किससे, किसको, पाइप ए को, अकेले काम करके इसको फिल करना है। और पाइप ए का एफिशिएंसी कितना है, वन। वन एफिशिएंसी का मतलब क्या है, पाइप ए हर घंटे में 1 लीटर पानी फिल करता है, मतलब 1 लीटर पर आवर, ठीक है। ये है पाइप ए का एफिशिएंसी। पाइप बी का क्या है, पाइप बी का है 3 लीटर पर आवर, पाइप सी का है 6 लीटर पर आवर, ये होता है एफिशिएंसी, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा पाइप ए को, पाइप ए का टाइम कितना होगा फ्रेंड्स, पाइप ए का टाइम होगा 30/1, क्यों, 30 है लीटर्स कैपेसिटी और ये है आपका एफिशिएंसी लीटर पर आवर, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 30, ऑप्शन ए, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पी क्यू एंड आर एंटर्स इन टू अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट रुपीज 40,000। पी क्यू और आर मिल के इन्वेस्ट करता है 40,000। पी इन्वेस्ट रुपीज 5,000 मोर देन क्यू एंड क्यू इन्वेस्ट रुपीज 10,000 मोर देन आर, ठीक है। तो आर को हम एक्स मानते हैं, तो क्यू क्या करता है, आर से 10,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, तो क्यू का इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्स प्लस 10,000, और P का इन्वेस्टमेंट क्या है, Q से 5,000 ज़्यादा, तो यानी कि X प्लस 15,000, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। और टोटल कितना है 40,000, यानी X प्लस X प्लस X 3X प्लस 10,000 प्लस 15,000 यानी कि 25,000, दिस इज इक्वल टू 40,000, ओके 40,000 यानी 3X इज इक्वल टू 15,000 यानी X इज इक्वल टू 5,000, ठीक है। एक्स 5,000 हो गया, तो इस यहाँ से आप इनका इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे। आर का कितना हो गया इन्वेस्टमेंट 5,000, क्यू का कितना हो गया, क्यू का हो गया आपका 15,000, और इसका कितना हो गया 5,000, ये 20,000, ठीक है 20,000, ये हो गया तीनों का इन्वेस्टमेंट। आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ टोटल ऑफ रुपीज 20,000 हाउ मच डस पी रिसीव, तो 20,000 के प्रॉफिट में पी को कितना मिलेगा, 20,000 है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है दोस्तों, प्रॉफिट है 20,000, 20K लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपको रेशियो पहले निकालना है, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लीजिए, पी इज टू क्यू इज टू आर, ठीक है। पी क्या है, पी है 20,000, Q क्या है फ्रेंड्स, Q है 15,000 और R है 5,000। रेशियो निकालने के लिए पहले तो आप ये तीनों जीरो को काट दीजिए, तीनों जीरो को काट दीजिए, तीनों जीरो को काट दीजिए, उसके बाद 5 से आप कैंसिल कीजिए हर नंबर को। 5 से 20 कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाता है, 5 से 15 करेंगे कैंसिल तो 3 आ जाता है, 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाता है, तो 4:3:1 इनके प्रॉफिट का रेशियो है। और आपको निकालना है पी का प्रॉफिट कितना है, पी का कितना है 4/टोटल, 4+3 7+1 8 इंटू कितना 20,000, जो कि टोटल प्रॉफिट है, तो आपका कितना आ गया फ्रेंड्स 10,000, इतना मिलेगा पी को, ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर है, ओके। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉम्बिनेशन बी अरेंज्ड सो दैट वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो एक वर्ड है कॉम्बिनेशन, इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो जिससे कि वॉवल्स हमेशा साथ में आए। तो वॉवल्स कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, एक तो है ओ, एक है आई, एक ए आई ओ, ठीक है, ये है वॉवल्स, और इनको साथ में आना है, यानी ये ऐसे आएंगे ओ आई ए आई ओ, ठीक है, ऐसे सपोज आए ये लोग, इनको ऐसे साथ में गट्ठे आने हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे अरेंज कर सकते हो ये मुझे बताओ। देखो इसको अरेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने ये लिख लिया ओ आई ए आई ओ, उसके बाद आप बाकी का लिख लो, ठीक है, सी एम, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप एग्जाम में थोड़ी लिखोगे, बी एन टी एन, ओके। तो ये है, तो अब आपको क्या करना है, ये पूरा जो चीज़ है ना, इनको इकट्ठा आना है, तो इस पूरे चीज़ को आप वन मानो, एक एंटिटी है ये, ओनली वन एंटिटी है ये, ठीक है, एक पूरा ये चीज़ जो है ये एक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने लेटर्स हो गए, 1 2 ये 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स हो गए। 7 लेटर्स को अरेंज कितने तरीके से आप कर सकते हो, 7 फैक्टोरियल, ठीक है।
उसके बाद देखो इसके अंदर कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स है, 5। अब ये आपस में भी अरेंज हो सकते हैं, मतलब ऐसे भी आ सकते हैं, ओ ओ ए आई ऐसे भी आ सकते हैं ना, ओ ए आई आई ऐसे आ सकते हैं, या फिर आई आई ओ ओ ए, या फिर ए ओ आई, किसी भी तरीके से ये लोग आ सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर भी हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया पूरा 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कॉमन लेटर्स कितने हैं, ओ कितने हैं, ओ है 1 2, 2 ओ है, तो उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है 2 फैक्टोरियल। उसके बाद आप देखिए आई कितने हैं, आई हैं 1 2, 2 आई हैं, तो उसको भी लिख दो आप डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल। उसके बाद आप देखो और कितने सी हैं, सी तो एक ही है, ओ 2 हो गए, एम 1 है, बी भी 1 है, आई 2, एन एन 2 है, ठीक है, तो उसको भी आप लिख दो नीचे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, लिख दिया आपने, ए 1 ही है, टी भी 1 ही है, आई ओ, ठीक है, तो मतलब 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ जाता है फ्रेंड्स, 8, नीचे 8 आ गया। ठीक है, अब ऊपर देखिए, ऊपर आप 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल होता है 120, है ना, 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60, 16 इंटू 2 120, और 7 फैक्टोरियल ऊपर। 7 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिखो, देखो 5 फैक्टोरियल है 120, और 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना, तो आप इसको ऐसे लिख दो, 7 इंटू 6 इंटू 120 इंटू 120। ठीक है, अब आप कैंसिल करने लगो, यहाँ 4 से काट दो, 30 आ गया, इसको काट दो, 15 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 7 इंटू 6 इंटू 120 इंटू 15 होगा आपका आंसर। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 26 इंटू 120 हो गया 720, 720 इंटू 7 इंटू 15, 720 इंटू 7 निकाल लीजिए, इंटू 15 अगर आप करेंगे तो 50400 प्लस 5, 75600 आपका आंसर हो जाएगा, 75600 यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। कल टुमारो मैं आपके लिए लाऊंगी एक DI रहेगा, इसी मॉक टेस्ट का DI रहेगा और मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो कल का वीडियो मिस मत करना, कल कितने बजे वीडियो आएगा, 4 बजे के करीब ही वीडियो आ जाएगा, कल 4 PM टुमारो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली वीडियोस पोस्ट करती हूँ, और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया है मेरा ये वीडियो तो उसको लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और फ्रेंड्स आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए कि आप लोग जनरल अवेयरनेस का मतलब करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं मेंस के लिए, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है करंट अफेयर्स पढ़ने में, मतलब मैं सुबह बैठती हूँ ना करंट अफेयर्स पढ़ना तो मैं ख़त्म ही नहीं कर पाती हूँ, मैं उसी को लेके मैं बैठी रहती हूँ, फिर ख़त्म नहीं होता है, कुछ भी नहीं हो पाता है, तो आप प्लीज़ मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे फिर से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।